गाड़ी हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जल्दी जल्दी सामान लोड कर ले क्योंकि इधर खुदा हाफिज मक्का की खूबसूरत गलियां। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अम्दा प्या, अम्दा प्या। यहाँ से मेरे ख्याल में मक्का की जो हदूद है वो खत्म हो रही है। 1.7 किलोमीटर और 4 मिनट। ओ सामने जी जद्दा सिटी नजर आ रहा है, समझ लें कि हम जद्दा की हदूद में जो है वो दाखिल हो चुके। ये लो आपका फोन, उधर रह गया था। सब चीज याद कर ली ना, कोई चीज रह तो नहीं गई, पक्की बात है। हाँ जा रहे हो पाकिस्तान? हाँ सच्ची? किसकी याद आई है ज्यादा? मन्ना की। मन्ना की कह रही है, मुझे और किसी की याद नहीं आई, सिर्फ मन्ना की याद आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम बाद में याद आता है तुम्हें जी? अच्छा, कैमरे के सामने तो बड़ा जल्दी कर लेती हो। वैसे आंटियां इधर आती हैं, वो कहती हैं सलाम करो, उस वक्त तो करती नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जाने की तैयारी है? पाकिस्तान। अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी। आमीन सुमा आमीन की बारी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? रोम को भी टाटा बाय बाय जी। बाय 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 बाय। तुम भी टाटा बाय बाय कर लो रोम को। इंशाल्लाह बोलो फिर आएंगे। इंशाल्लाह फिर आएंगे। इंशाल्लाह चले रबिया, फिर हरम के नजदीक लेंगे इंशाल्लाह। आपको हमने सामान के साथ नीचे भेज दिया है और अभी जो है हमारा हो रहा है यहाँ से चेक आउट। टाइम क्या हुआ बेगम साहबा? 12:53 पाकिस्तान के टाइम, हमारा पाकिस्तान का चल रहा है। और यहाँ के 10:11 का था ना चेकआउट का, हमने घंटा पहले दे दिया। चलो मैं जो है जी लेने के लिए आ रहा है चूचू का भाई, मेरा भतीजा जद्दा से। लिफ्ट भी मंगा ली बेगम साहबा ने, माशाल्लाह एडवांस हो गई। हाँ आ जाओ जी, दबाओ। ओके चूचू का भाई इधर ही रहता है जद्दा में, उसको मैंने कॉल की थी तो कह रहा था कि चाचा चाचू आप बाहर आ जाए, मैं जो है ना गाड़ी लेके आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। तो अभी हम उसके साथ रवाना होंगे जी यहाँ से जद्दा के लिए। सारा इधर ला के रखा है, जवाब साहब यहाँ बैठे हुए हैं। इधर तो काफी रश है रबिया, आज गाड़ी कैसे आएगी? इधर सारा रश है जी आज, माशाल्लाह सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। अभी देखो रबिया रश सुबह के टाइम काफी है ना, काफी रश है सुबह के टाइम। हाँ दोपहर के टाइम कुछ हल्का हो जाता है। असल में ना माशाल्लाह जी बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा यहाँ पर भी और मदीने में भी, माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा है। 20-21 दिन गुजारे हैं हमने, 10 दिन यहाँ गुजारे हैं और नहीं 5-10 रातें इधर गुजारी हैं और 10 रातें जो है वो हमने मदीना में गुजारी हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले लोग मिले हमें मक्का में मदीना में। हम सब का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जी। अभी हम यहाँ से, जैसे बच्चों ने भी बताया कि हम समझ लें कि यहाँ से अभी पाकिस्तान के लिए निकल पड़े। अभी हम लोगों ने कुछ दिन स्टे करना है जद्दा में, तो वहाँ पर काफ़ी सारी फैमिलीज थी जो स्पेशल हमारे पास यहाँ आई थी। वैसे हमारा जो पैकेज है वो आज ख़त्म हो चुका है, लेकिन हमने ऊपर कुछ दिन, क्योंकि हमारा वीज़ा जो है वो 90 दिन का है, तो हम इसलिए कुछ दिन जो है ना जद्दा में स्टे करेंगे, फिर वहाँ से जो है ना डायरेक्ट फ्लाइट लेकर तो पाकिस्तान चले जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारी फैमिलीज यहाँ पर रूम पे आई, उन्होंने स्पेशल इनविटेशन दी हमें, तो उन सबको जो है ना हमने वादा किया था कि हम लोग जद्दा में रुक के आप सबके पास तो फिर आगे जाएंगे। तो इंशाल्लाह जी अभी वो आ जाए और फिर चलते हैं जद्दा। गाड़ी हमारी भी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जल्दी जल्दी सामान लोड कर लें क्योंकि इधर रश काफ़ी है ना, भरा हुआ है। चलो 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 चलो, हाँ पर आऊँ पूरा। चलो सामान सारा हो गया ना? या अल्लाह। खुदा हाफिज मक्का की खूबसूरत गलियां, इनको जी खुदा हाफिज कर रहे, बहुत याद आएंगी बहुत ज्यादा। जैसे पिछले क्लिप में बताया भी था कि बहुत अच्छा टाइम गुजरा है हमारा यहाँ पर, माशाल्लाह। अभी मक्का में ना तो महसूस नहीं होता, जब पाकिस्तान चले जाएंगे तो फिर तो तड़प लगेगी, बहुत याद आएंगे, इसीलिए तो एक एक सीन बड़ी बारीकी से कैप्चर किया है। ملك كل من ملك
यहाँ से मेरे ख्याल में मक्का की जो हदूद है वो खत्म हो रही है, और ये वीडियो में भी हमने काफी दफा देखा था जी, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम दी क्या? ठीक ठाक, जिंदाबाद। वालेकुम साजे को सलाम कर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अमदा प्या अमदा प्या। चूचू से बात हो रही है। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। अमदा भी रहता है जी तकरीबन कोई 37 किलोमीटर, 34 वो सामने लिखा हुआ है। और मैं आप तो इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी कराया, लेकिन अभी सही तरीके से आप सबके साथ इंट्रोडक्शन कराता चलो जी। ये मेरा भतीजा है, चूचू का भाई है, चूचू से छोटा है। माशाल्लाह दो भाई यहाँ पर सेटल हैं और एक भाई जो है वो बेक्सर में ना अभी माशाल्लाह, एक और भी इनका जो है ना भाई वो भी इधर आ रहा है। तो चूचू से भी आप सबकी बात कराइए जी। ये चूचू का छोटा भाई है, ये चूचू से तकरीबन चौका छोटा ही है, 7 साल तकरीबन चूचू से ये छोटा है जी। और माशाल्लाह कितना अरसा, इतना ठीक ही कितना अरसा हो गया सऊदी अरब में? 3 साल से ऊपर हो गया जी। माशाल्लाह बहुत ड्राइविंग करता है और ये गाड़ी इसी के हवाले है, बस जहाँ आना जाना ये वो, मतलब रोक टोक नहीं है। जिस दिन हम मक्के आए थे तो उस दिन भी हमें जो है ना स्पेशल उधर से आया था मिलने के लिए, और फिर कल जो है ना मुझे कॉल की कि चाचू आपने परेशान नहीं होना, मैं आपको ना सुबह सुबह पिक कर लूँगा, आप ना बस में नहीं आइएगा। तो आया है, फिर वहाँ से रिसीव किया है और अभी जद्दा, ये जद्दा में रहता है, तो चल रहे हैं अभी जद्दा। ओ सामने जी जद्दा सिटी नज़र आ रहा है, समझ लें कि हम जद्दा की हदूद में जो है वो दाखिल हो चुके हैं, और लोकेशन जो है हमने लगाई हुई है, हमने जिस जगह पे जाना है 1.7 किलोमीटर और 4 मिनट, वो सामने हमारी लोकेशन है। लोकेशन पे पहुंच गए जी अल्हम्दुलिल्लाह। इधर हाँ मेरे भतीजे की गाड़ी में रखा था इधर। चलें जी इधर पहुंच गए हैं सिस्टर के घर। घर है ये, होटल नहीं है। तो अभी चलते हैं जी अंदर। चलें अल्हम्दुलिल्लाह जी सिस्टर के घर जो है वो पहुंच चुके हैं, और सामान वगैरह भी हमने अपने रूम में उधर सेट कर दिया है। यकीन करें कि आजकल के ज़माने में कोई अपना भी अपने के लिए इतना नहीं करता जितना हमें लाहौर वालों ने प्यार दिया, वो हम आज तक नहीं भूले। मदीने वालों ने प्यार दिया, हम सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मक्का वालों का सबसे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जद्दा से काफ़ी सारी फैमिली हमें जो मिलने के लिए है ना वहाँ पहुँची मक्का में, और इस वक्त जो है हम जद्दा में हैं। और यहाँ पर हमारी बहन बेसिकली इंडिया से हैं, तो इनसे हमारा काफ़ी अरसे से जो है ना रब्ता था। और जैसे मैंने बताया भी है कि हमारा आज जो है ना पैकेज वगैरह ख़त्म हो गया, तो हमने जद्दा में कुछ दिन के लिए स्टे रखा था, क्योंकि कुछ हमारी फैमिलीज़ यहाँ पर हैं जिनसे हमारे मिलना लाजिम था। तो सिस्टर ने कहा था कि कोई होटल वोटल लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और रुकने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मेरे घर पर रुकें आप और मेरे घर पर ही रहें। बहन जो है यहाँ पर यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल में पढ़ाती हैं, तो काफ़ी अरसे से यही सेटल हैं जद्दा में सऊदी अरब में। तो हमें स्पेशल उधर रूम भी मिल गया है जी, हम उनके घर में इस वक्त बैठे हुए हैं, उनका ड्राइंग रूम है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। खाना भी हमें जो है ना आज घर का खाना नसीब हो रहा है, होटलों के खा के तो थक गए थे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज ही क्या क्या बना हुआ है रबिया? दाल चावल कीमा करेला, आलू पालक, कीमा करेला, और आलू मेथी, माशाल्लाह। अभी चलते हैं जी आप सबके साथ, खाना भी शेयर करते हैं और रूम भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पहले खाना खा लेते हैं फिर रूम शेयर करेंगे। ये देखें जी ये आ गए शामी, मेथी आलू कीमा करेला दाल चटनी सलाद चावल और पाकिस्तानी रोटी और चपाती। सुभान अल्लाह अल्लाह पाक आपके और हमारे खाना में और सिस्टर के खाना में लाए बरकत हमारे घरों में भी। वही मैं यही कह रहा था कि आज कल कोई अपना भी अपने के लिए इतना नहीं करता है, एक अनजान मुल्क में एक यूट्यूब बहाना बना और कहां से काम उठा के फेंक दिया।
इनसे मिलना बहाना था एक जो है ना, बस अल्लाह पाक ही इंसान के लिए, इंसान अल्लाह पाक हमेशा इंसान की नीयत देखता है और उस हिसाब से फिर आपकी जो मंजिलें हैं वो आसान होती जाती हैं, होती जाती हैं, होती जाती हैं। मक्का से जो तोहफा मिला है ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी इंशाल्लाह जी सिस्टर का भी स्पेशल आप सबसे जो है ना मीटअप कराएंगे, अभी खाना खा ले पहले, फिर इंशाल्लाह सिस्टर से इंट्रोडक्शन कराएंगे कि सिस्टर जो है कल सिस्टर से जी इंट्रोडक्शन अगली वीडियो में होगा इंशाल्लाह कि सिस्टर बेसिकली कहाँ की हैं, कैसे हमारा रब्ता हुआ सब कुछ जो ना अगली वीडियो में। सबसे पहले सबर नहीं हो रहा घर का खाना देख के माशाल्लाह। चलो बेटा बैठो खाना खाओ, शाबाश। आलू मेथी शामी अचार कीमा करेला चावल दाल सलाद चपाती। दाल चावल आज मिल गए। अच्छा इन लोगों को था दाल चावल खाने का, बहुत इनके फेवरेट हैं, घर में कहते रहते हैं अम्मी दाल चावल बना के दो। बच्चे वैसे जो होते हैं ना उनको दाल चावल बहुत पसंद आता है। हाँ जी माशाल्लाह, उसका वजह ये है कि खाने में आसानी होती है। जज़ाकअल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया। अरे कैसी आप बातें कर रही हैं। आप इंशाल्लाह जी आप सबके साथ ना इंशाल्लाह स्पेशल मीटअप होगा सिस्टर का अगली वीडियो में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी जी मैंने लिया सिस्टर, हाँ ये रखा है ना कीमा करेला। चलो जी खा लेते हैं खाना फिर आपसे मिलते हैं। दोपहर का खाना हमने खा लिया जी और अभी जो है इस वक्त आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो रहे हैं। कब का खाना लेके इवनिंग का, यहाँ पर ना दिन का पता चलता है जी सऊदी अरब में और ना रात का पता चलता है, क्योंकि होटल में भी होते थे वहाँ पर भी दिन है तो रात है तो दिन है। और सिस्टर को देखें हमारे बच्चों की और राबिया की चॉइस कैसे पता थी, ये देखें जी हमदियात मरिंडा, मरिंडा मंगवा के रखी है जी सिस्टर ने, बच्चों को इस वक्त बॉयल करके दिए जी अंडे माशाल्लाह। और बहुत ज़्यादा खिदमत की है बहन ने, बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक इनके रिस्क में बेहिसाब बरकतें दे जी। और जैसे मैंने बताया भी था कि इतना प्यार और इतनी मोहब्बत आजकल कोई अपना ही अपने के लिए समझ लें कि बड़ी मुश्किल से करता है, करता भी है तो बहुत मुश्किल से करता है। और बस अल्लाह पाक इनके रिस्क में बरकत दे, हमारे लिए बिल्कुल अनजान मुल्क अनजान शहर, यहाँ पर सिस्टर ने जैसे मैंने बताया भी कि कोई होटल वोटल लेने की ज़रूरत नहीं है, खबरदार। मैंने बात की थी मदीने में जब, और एक हमारे भाई जो आपने कल की वीडियो में देखा था कि वो इंडिया से हैं गफूर भाई, तो यकीन करें कि रोज जब वो हमें कॉल करते हैं वीडियो कॉल पे उनसे बात होती है हमारी, यकीन माने कि हमें यकीन ही नहीं होता कि, और जितनी भी फैमिली हमसे यहाँ मिलने के लिए आ रही हैं ये सब मेरे अल्लाह पाक की करम नवाजी है। मेरा तो रब्ता नहीं था, अगर मेरा रब्ता होता ना तो आप सिर्फ जीरो पैकेज पे आते। तो यकीन करें कि मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है कि अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत से नवाजा है यहाँ पर हमें, और हर जगह पर अल्लाह पाक का लाखों लाखों करोड़ों बार शुक्र है राबिया, करोड़ों बार इतना प्यार हमें मदीना में मक्का में जद्दा में इवन पूरे सऊदी अरब में रियाज तक, रियाज से भी कॉल आई थी ना तुम्हारे पास सिस्टर की कि राबिया अपना एड्रेस दे दो मैं तुमसे मिलने के लिए, हालांकि रियाज यहाँ से काफी दूर है, काफी दूर है, काफी दूर है रियाज यहाँ से। देखे तो, जिनको मोहब्बतें होती है ना और प्यार होता है ना वही लोग ही मिलने आ जाते हैं, वो चाहे वो दुनिया के किस कोने में भी हो कितनी भी मजबूरी हो लेकिन उन्हें मोहब्बत हमारी खींच लाती है। जज़ाकअल्लाह, मैं सबका दिल से शुक्रिया करूँ और मुझे खुशी इस बात की है कि बहन ने हमारा ये छोटा सा तोहफा जो है ये कबूल किया है। हाँ, ये हम अपना कल्चर अपनी सकाफत साथ लाए थे अपनी बहन के लिए, और ये स्पेशली जो दिखाया था आपको वीडियो में ये हाथ से बना हुआ ना, ये हमने कहा था बहन जब भी आप इसमें रोटी रखेंगी या कोई चीज रखेंगी तो आपको याद जरूर आएगा कि अहमद भाई और राबिया सिस्टर की तरफ से। अभी रह भी गए हैं जिनके लिए मैं ये लेकर आई थी लेकिन नसीब में किसी और के चला गया। हाँ जी, बस जो जो हमें मिलता गया ना हम देते गए, हम देते गए क्योंकि हम यही अपनी पहचान कर पाते। बाकी जी जो भी हमारे बहन भाई हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं मैं दिल से शुक्रिया और इंशाल्लाह जो है ना उन सब के लिए इससे भी ज्यादा लेकर आऊंगी, बोरा भर के लाएंगे, बोरा भर के लेकर आऊंगी। वाकई सही कहा है मैंने क्योंकि काफी बहन भाई अभी इसके लिए नाराज हैं।
हम तो मैं माजरा जरूर जरूर देंगे हम उन सब तो सबके लिए अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम है ना बोरा भर कर लेकर आऊंगी। जैसे अहमद ने कहा अभी भी मैं थोड़े नहीं लेकर आई थी, काफी लेकर आई थी मैं। अच्छा जी चलो सिस्टर ने जो है ना हमें एक सेपरेट रूम दिया है जी इधर। सिस्टर से मुलाकात तो आप सबकी सीक्रेट है जी। आ जाओ रबिया माशाल्लाह देखें जी ये सारा उधर जो है ना सारा हमारा सामान रखा हुआ है और ये डबल बेड लगा हुआ है माशाल्लाह इधर। और ये जो खिड़की है इसका पर्दा ऊपर करें तो बाहर रोड है सब बेहतरीन साफ नजर आता है। और ये एसी है विंडो एसी लगा हुआ है यहाँ पर यही एसी होते हैं ज्यादातर ना सऊदी अरब में। अच्छा अहमद अलबैक से नेगर्स ये अच्छी है। अच्छा ये घर के ना सिस्टर बहुत लजीज है। बहुत लजीज और इधर ये मसहरी लगी हुई है जी और बच्चों के लिए टीवी वगैरह भी लगा हुआ है माशाल्लाह। बहुत इज्जत बहुत रिस्पेक्ट दी है सिस्टर ने अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। भाई नहीं है हमारे उनके हाँ उनकी डेथ हो गई है अल्लाह पाक और उनकी एक बेटा है उसकी सेहत के लिए और कामयाबी के लिए। हाँ वो माशाल्लाह कहाँ रियाज गया हुआ है ना तो वो भी इंशाल्लाह कह रहा था कि मामू मैं इंशाल्लाह कल तक पहुँच जाऊँगा ना आपको जरूर मिलूंगा जी। सबका दिल से शुक्रिया बहन हमारी का अगेन शुक्रिया इंशाल्लाह अगली वीडियो में हमें बहने मिली है सबका शुक्रिया जिद्दा में और मदीना में मक्का में अल्लाह पाक लाहौर वाला प्यार याद आ गया। अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती दे सलामत रखे अपनी जमान में रखे हमारी बहुत सारी दुआएं सबके लिए। लाहौर वाला प्यार याद आ गया। हाँ जी है कि नहीं है हाँ वहाँ भी ऐसा ही कुछ सीन था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी तो इजाज़त चाहेंगे जी इस वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करते हुए इंशाल्लाह अज़ीज़ कल अपनी बहन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हाँ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा मे बी। हाँ तो इजाज़त चाहेंगे अल्लाह हाफिज अल्लाह ने के बान जहाँ रहें हमेशा खुश रहें खुश रहें हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक ऐसी प्यारी जगह आपको बार बार लेकर आए हमारे साथ। आमीन आमीन।